हाय फ्रेंड, तो अभी एक कस्टमर ने एक लैपटॉप दिया है। इसका मॉडल जो आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए, इसका जो मॉडल नंबर है लेनोवो का आइडियापैड S145, ठीक है। ये 7th generation का i3 का है, वो दिक्कत तो नहीं है। तो दिक्कत जो हो रहा है, कस्टमर ने कहा कि इसका जो ब्राइटनेस है ये ऑटोमेटिक अप डाउन हो रहा है, कभी ब्राइटनेस कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम जो हो रहा है आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसे कम हो रहा है। मैं अभी मैनुअल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो ये कब हो सकता है इसको होने, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे देखिए ये F11 और F12 बटन अगर लीकेज शॉर्ट होगा या इसमें दिक्कत होगा, तब इसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है कि प्रॉब्लम के इसका ब्राइटनेस अप डाउन होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और कस्टमर ने और ने कहा कि कुछ कुछ टाइम में सी और यहाँ पर डी हो रहा है, इसको बीच बीच में वर्किंग कर रहा है, बीच बीच में वर्किंग नहीं कर रहा है। और जो टास है, ये टास जो है ये कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए, ये अभी काम किया, ठीक है। तो ये कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं काम कर रहा है। तो ऐसा इसका दिक्कत हो गया है। तो इसका जो पूरा शॉर्ट आउट करेंगे वो कैसे करेंगे और कीबोर्ड को कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी आज दिखाएंगे। तो थोड़ा दिखाएंगे आपको को। तो देखिए प्रॉब्लम मैंने ये फेस करा, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पे टच कर काम कर, मतलब वर्किंग कर रहा है, ये टच है, यहाँ पे वो टच का जो कर्सर पॉइंट होता है वो वर्किंग नहीं कर रहा है। को कभी कभी जो करता है, ठीक है, और कुछ भी छोड़ दे रहा है। देखिए अभी भी काम कर रहा है, तो ऐसा ही दिक्कत आ रहा है। तो इसलिए मैं इसको कीबोर्ड को जो रिप्लेस कर दूंगा, और मुझे लग रहा है कि कीबोर्ड रिप्लेस करने से प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इस लैपटॉप को शट डाउन करना पड़ेगा और पूरा बैक कसिन और पूरा बॉडी रिमूव करना है। और यह मेरे पास ये नया वाला कीबोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हो एक नया वाला कीबोर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं अभी लगाऊँगा पूरा, तो कैसे लगाते हैं वो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी शट डाउन कर दे रहा हूँ, ओके, शट डाउन कर दिए। अभी जो जितने सारे स्क्रू है, स्क्रू को मैं बाहर निकाल लूँगा, ओके। तो जितने सारे स्क्रू है मैं बाहर पूरा निकाल दिया। अब इसका जो बैक है, बैक को मैं बाहर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे इसको बाहर निकालूंगा अभी। तो देखिए इसका जो है पूरा पार्ट को मैंने बाहर कर दिया हूँ। तो कैसे देख रहे हो कि यह बैटरी वगैरह कुछ लगा है और स्विच वगैरह लगा है, तो इसको पूरा बाहर निकालूंगा। यार ये जो स्टील है, स्टील के पीछे इसका कीबोर्ड है, ठीक है। तो उस कीबोर्ड को बाहर निकालेंगे और नया वाला कीबोर्ड को इनपुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरा पार्ट को मैं बाहर करूँगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए तो यहाँ पे क्या करना है, पूरा बॉडी को स्क्रू खोलना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पूरा बॉडी को रिमूव करेंगे अभी। और उसके लिए देखिए क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे वाईफाई है, फैन है, तो तो उसको बाहर जो है पूरा स्क्रू मैंने खोल दिया हूँ अभी, ठीक है। ये है इसका मेन बोर्ड, तो यहाँ पे इसका कीबोर्ड का पत्ता है, ठीक है। ये बोर्ड को बाहर रख देता हूँ, और मेरे पास नया कीबोर्ड है।
तो इससे पहले इसका जो SSD लगा है इसको भी रिमूव करना होगा, नहीं तो उतने टाइम पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये SSD लगा है, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है बॉडी। तो यह वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से आपको अप डाउन करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ और इसको भी करना पड़ेगा। अगर साइड में हो जाता तो बढ़िया बात है, तो देख रहा हूँ कि साइड से हो रहा है क्या, कि पहले भी एक बार चेंज हुआ है। बहुत सख्त होता है। क्या कंडीशन है देख ही सकते हो, तो इसको तो थोड़ा रिमूव करना होगा। तो उसके लिए तो यहाँ पे पूरा ही फूट गया है, थोड़ा स्क्रू का जो ठीक था ये थोड़ा सा खराब है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डैम हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कर देंगे थोड़ा सा रिपेयर। ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये है कीबोर्ड जो है पूरा पेस्टेड है, तो इसको मैं बाहर निकलना है। बाहर निकलने से पहले इसको भी बॉडी को भी बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो तक लिए ये वाला बाहर निकल गया और ये भी निकल गया। तो हमारा काम जो है इस साइड पे है और दूसरा साइड में कोई काम नहीं, तो इसको मैं साइड पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा काम जो यहाँ पे है, तो इसका जो है इसको मैं आयरन से थोड़ा हीट करके इसको बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, EMI नंबर चेक करता है और इसके नाम पर EMI नंबर ये चेक कर ले चले। तो अंदर भी आसल अभी देख रहे हैं कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या कर रहा हो तो ध्यान में रखना, और ये जो काम है ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, বললাম না কাজ করলে হয় অনেক तो इसका तो पूरा ही निकल गया है, आप देख ही सकते हो।
और थोड़ा एक बात है, रेगुलर लोकल ले तो दाम 300 ऑनलाइन है, तो इसका जो खराब वाला कीबोर्ड है ये पूरा बाहर निकल दियो, ठीक है। और जो नया है यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला नया है और ये वाला ख़राब है, तो नया वाला को लगाएंगे यहाँ पे। उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे टूटा है एक थोड़ा सा, तो जितने सारे टूटा वगैरह है तो क्लीन कर दूँगा क्योंकि सही से बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बैठना चाहिए, बराबर बैठ गया है। ओके, ठीक है। नॉर्मल ये वाला जो लॉक है, ये लॉक अगर सही से लग जाता है तो बाहर वाला लॉक भी थोड़ा कमज़ोर होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कि अंदर वाला सही होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर रहे हो देख रहे हैं, तो अभी देख रहे हो कि पूरा जो कीबोर्ड है, नया कीबोर्ड को पूरा असेंबलिंग कर दिया हूँ। और अभी जो करना है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी लगाएंगे अभी, ठीक है। तो अभी जो है इसको मैं फिट करूँगा, देखो कैसे इसको फिट करूँगा, ठीक है। बने रहे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और कोई भी अगर लैपटॉप का इंटरनल कीबोर्ड चेंज करना है तो ऐसे ही थ्रू ही सबको चेंज कर देना, मैंने जो दिखाया, ठीक है, तो ऐसे ही देख के सेम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली, ठीक है। तो पूरा जो यहाँ पे है बॉडी को धीरे धीरे से एक बार फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद पूरा बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका जो हीटसिंग है कीबोर्ड का प्रोटेक्टर, तो इसको मैं पेस्टिंग कर दिया हूँ, ठीक है। और जो ये बोर्ड मोड फैन हीटसिंग वगैरह जो भी है डिस्प्ले पार्ट जो है वो स्टेप बाई स्टेप फिट करेंगे। ओके, तो अभी जो करना है इसका डिस्प्ले वाला जो पार्ट है उसको हम लगाएंगे अभी। तो यहाँ पे डिस्प्ले अभी इनपुट कर रहा हूँ, तो अभी देखिए कैसे जो डिस्प्ले को पैक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यस, तो यहाँ पे लग गया है, ये भी लग गया है। ओके, तो अभी जो करना है इसका जो हीटसिंग है इसिंग को नॉच को थोड़ा दबा के नीचे कर दूंगा, देखिए दब गया है। और सेम टाइप से इसको भी
दबा के बैठा रहे, ठीक है। तो दोनों ही बैठ गए है अच्छी तरीके से, फिर से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अभी जो है स्क्रू है, स्क्रू को लगाएंगे। तो स्क्रू लगने से पहले सही स्क्रू भी जरूरत है, ठीक है। कलर स्क्रू ना लगे, यहाँ पे सही जो स्क्रू है वही लगाऊंगा। ये आप मिनट पर तक लग गया, तो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे एक पार्ट है लगा दिया और यहाँ पे भी एक पार्ट है, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी एक पार्ट है। तो इसका फिक्सिंग वाला पार्ट है वो पूरा ही लगा दिया और ये है बोर्ड का पार्ट है। जी यहाँ पे ये एसएसडी को भी लगा देंगे अभी, ठीक है। तो एसएसडी लग गया है एसएसडी का स्क्रू लगा दिया। तो इसका एसएसडी लग गया है, स्क्रीन टच है तो भालो टच तो बुझा है। ये रहा इसका बोर्ड, ठीक है। कलरिंग हो जाए ना तो इसको सीमोस थोड़ा सा साइड कर देंगे। तो इसका जो बोर्ड जो है पूरा सही से बैठ गया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लग गया है और यहाँ पे मैं जो फैन है फैन को भी लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, नॉर्मली जितना सॉकेट है वो लगा दिया हूँ और ये है इसका इंटरनल बैटरी, इस बैटरी को भी अभी लगाऊंगा, ठीक है। तो सीमोस बैटरी को सही से लगा देंगे। इसके बाद इसका जो इंटरनल बैटरी है बैटरी को लगा देना। तो बैटरी तो लग गया है और इसका पूरा स्क्रू भी लगा दूंगा, ओके। तो अभी देख रहे हो पूरा लगा है, पूरा इसका जो डब्बा है बैक, तो बैक को अभी फिट करेंगे, ओके। चेक करेंगे, चेक करने के बाद इसका जो स्क्रू है बाहर वाला तो लगा देंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो नॉर्मली ये जो है पूरा वर्किंग कंडीशन में ऑन भी हो गया है और इसका कीबोर्ड भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। ये पे तो काम कर रहा है, ये नॉर्मल कीबोर्ड जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काम कर रहा है,
बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लिया। तो ये पे बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, और डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह देख लेंगे। तो बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है और डिस्प्ले भी सही दे रहा है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, तो गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल जो कीबोर्ड का बटन होता है, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और 100% इसका वर्किंग है। ठीक है, तो ऐसे लगाता है लैपटॉप का जो इंटरनल कीबोर्ड होता है। तो ऐसे देखिए मेरा फिटिंग्स देखिए, क्या कहते हैं, कंपनी जैसा कोई फिटिंग नहीं दे सकता, तो मैं दे सकता हूँ। तो इसका जो पूरा देख सकते हो, तो यहाँ पे पूरा कंपनी जैसा फिटिंग मिला है। तो अगर कस्टमर पता नहीं चलेगा कि इसका जो बोर्ड कीबोर्ड है ये चेंज है। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि नया ही है। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।